नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। श्रीमद् भगवद गीता 16वां अध्याय चल रहा है। हमने दैवी प्रकृति देखी, आसुरी प्रकृति देखी। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दो भूत सर गौलो के अस्मिन दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। हे पार्थ, इस संसार में लोके अस्मिन दो भूत सर्गो, दो प्रकार की सृष्टियां पाई जाती हैं। एक सृष्टि है दैवी सृष्टि और एक है आसुरी सृष्टि। यानी ये जो दो प्रकार की दैवी और आसुरी प्रकृतियां बताई गई हैं, उन्हीं के आधार पे दो प्रकार की सृष्टियां होती हैं, दैवी और आसुरी। दैवो विस्तर सा प्रोक्ता, जो दैवी सृष्टि है उसका विस्तार से वर्णन किया। आसुरम पार्थ मिश्रणु, हे पार्थ, अभी जो आसुरी सृष्टि है, देखिए आप ऊपर देख चुके हैं, इससे पहले वीडियो के अंतिम भाग में कहा था, जो दैवी सृष्टि है दैवी संपद विमोक्षाय, वो मोक्ष के लिए है, और जो आसुरी सृष्टि है निबंधाय आसुरी मता, वो बंधन करता है। इतना ही कहा था आसुरी सृष्टि के बारे में। तो कह रहे कि अब जरा विस्तार से सुनो कि आसुरी सृष्टि क्या है, लोग आसुरी सृष्टि में फंस के जो बंधन करता है किस प्रकार से काम करते हैं, उसको अब हम तुम्हें विस्तार से सुना रहे हैं। तो मुझसे सुनो, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। ये जो जीव है ना, कौन सा जीव, दैवी सृष्टि वाला नहीं, आसुरी सृष्टि वाला ये जो जीव है, उसको ना तो प्रवृत्ति मालूम पड़ती है ना ही निवृत्ति मालूम पड़ती है। जिसमें नहीं जुड़ना चाहिए उसमें जुड़ता चला जाता है, और जिसमें जुड़ना चाहिए उसमें जुड़ने का प्रश्न ही नहीं आता, क्योंकि उसको वास्तविकता समझ में ही नहीं आती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च न विदुरा के आसुरा, जिनकी आसुरी वृत्ति होती है वो प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते हैं। निवृत्ति का अर्थ है जिससे बचना चाहिए, उन्हें वो भी नहीं पता है, और जिसमें लगना चाहिए वो भी नहीं पता है। लगेंगे किसमें, जिसमें नहीं लगना चाहिए, और छोड़ क्या देंगे, जो नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस संसार में स्वार्थ में नहीं लगना चाहिए, और दुनिया स्वार्थ में लगी पड़ी है, और इस संसार में परमार्थ करना चाहिए, व्यक्ति उससे दूर भागता है। और इसमें तो बड़ा मेरा समय बर्बाद हो जाएगा, मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मेरी शक्तियां क्षीण हो जाएंगी, बस। तो उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का पता ही नहीं है, जिसमें निवृत्ति करनी चाहिए उसमें प्रवृत्ति करता है। यहां श्रेय और प्रेय की लड़ाई है। प्रेय जो उसको प्रिय लगता है, प्रिय स्वार्थ लगता है, उसको ये पता नहीं है कि स्वार्थी जब व्यक्ति बनता है तो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और जब व्यक्ति परार्थी बनता है तो समाज के बारे में सोचता है, और जब वो समाज के बारे में सोचता है यानी बहुत सारे लोगों के बारे में सोचता है, तो बहुत सारे लोग उसके लिए भी सोचते हैं। ये हम बहुत बार इस सिद्धांत को सुन चुके हैं, इसलिए फिर से उसकी चर्चा में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को समझ लीजिए कि जीवन में जब आप अपने लिए काम करते हैं तो आपके दो हाथ ही आपके लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब आप अपने दो हाथों से 10 लोगों के लिए काम करते हैं तो आपके लिए वो 10 लोगों के 20 हाथ काम करते हैं, और जब 20 हाथ काम करते हैं तो काम सरल हो जाता है। ये मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं आपसे। आगे कहते हैं, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। अब चूंकि उसको प्रवृत्ति और निवृत्ति पता ही नहीं, उसको किसमें लगना चाहिए ये पता नहीं है, क्या छोड़ना चाहिए ये पता नहीं है, तो न तो उसमें शौच होता है, शारीरिक पवित्रता भी नहीं होती है। अगर सभी लोग शारीरिक पवित्रता का ख्याल रखते होते तो आज जो कोरोना की स्थिति हो ही नहीं सकती थी। देखिए कोरोना हमें सिखा क्या रहा है,
आप बाहर से आए तो सबसे पहले आपको स्नान करके और स्वच्छ हो जाना चाहिए। बाहर भी अगर आप हैं तो आप उन्हीं हाथों से नाक मुंह और आंख अपने चेहरे को नाड़े, सैनिटाइज करें, यानी हाथों को साफ करें। और हाथों को अगर आप साफ करते हैं तो क्या करना होगा, खूब नाक को छुओ, खूब मुंह को छुओ, खूब आंखों को छुओ, कोई मना नहीं करता है, साबुन से धो लो, कौन आपको आंख नाक कान टच करने को मना कर रहा है। लेकिन जब तक आप उनको साफ ना करें तब तक आप नहीं छू सकते। खड़े हैं तो जरा दूर खड़े रहिए ना, जरूरी है कि चिपक के खड़े रहें, एक दूसरे के पसीने से पसीना टच हो वहां तक खड़े रहें। लोग बात तो जानबूझ के धक्का और मार दे लाइन में, आप कभी रेलवे स्टेशन पे टिकट की लाइन में खड़े हो तो पता चले, अब खड़े हो जाओ लाइन में, लेकिन एक हाथ का अंतर नहीं, एक मीटर का अंतर बना के खड़े हो जाओ। अगर आप इस पवित्रता का ख्याल अपने जीवन में हमेशा रखते रहे हो तो भैया ऐसी बीमारियां हो ही नहीं सकती हैं। पहले हमें यही सिखाया जाता था, देखिए हम पूजन करते हैं ना किसी देवी देवता का, तो सबसे पहले तीन बार जल छोड़ते हैं, पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्ते और अर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आचमनीयम समर्पयामि। हमें पता ही नहीं है इसका अर्थ क्या है, परिणाम क्या होता है। हम जल तो तीन बार छोड़ देते हैं, लेकिन ये जल हमने किस लिए छोड़ा? पहला जल छोड़ा जाता है उनके चरण धोने के लिए, कि भैया आप बाहर से आए हो, आपने जिन देवता को अपने आवाहन किया, अपने पूजा के लिए बुलाया है, पहले उनके पैर धोए जाते हैं, फिर उनको हाथ धोने का जल दिया जाता है। तो पाद्योपाद्यम समर्पयामि, यानी पैर धोने का जल दिया, हस्ते और अर्घ्यम समर्पयामि, फिर हाथ धोने का जल दिया, मुखे आचमनीयम समर्पयामि, और उसके बाद आपने जो जल दिया है वो जल उनको मुख में आचमन करने के लिए, कुल्ला भी किया जा सकता है, पानी भी पिया जा सकता है, लेकिन पहले हाथ पैर धुलवाए जाएंगे। हमारे यहाँ पुराने ज़माने में, अभी भी मुझे याद है कि हमारे जो दादा थे, हमारे जो बाबा थे, वो अपने पूरे इलाके के पंडित हुआ करते थे, पुरोहित थे, तो कभी भी हम उनके साथ जब जाते थे किसी यजमान के घर पे, तो यजमान बाकायदा हमारे पैर धोया करता था, और पैर धोने के बाद ही वो हमें आसन देता था और आसन पर बिठाया जाता था। बहू बेटियाँ जो हमारे घर में आती थी, सबसे पहले उनके पैर धोने की प्रथा। आप समझिए इन चीज़ों को, हमारे यहाँ स्वच्छता का कितना ख्याल किया जाता था। मैं तो कई बार, मतलब जिनको आप आडंबर कहने लग गए ना, वही समस्या खड़ी हो गई। मेरी माँ हमेशा, उन्होंने एक नियम बना के रखा कि आप बाहर से आएंगे तो वो वस्त्र आपके बाथरूम में अलग एक खीटी होगी, उस पर टंगे होंगे, या तो उनको धोने में डाल दो, और अगर उनको दोबारा पहनना है तो एक ऐसी जगह पर टांगो जो घर में जब आप व्यवहार कर रहे हैं तो उनको टच नहीं होना चाहिए। जब आपको बाहर जाना है तो आप उन वस्त्रों को पहन के जा सकते हैं, आने के बाद फिर उनको वहीं टांग देंगे। ये नहीं कि बाहर से आए वही कपड़े पूरी अलमारी में घूम रहे हैं और उसी में धुले हैं, उसी में गंदे कपड़े सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसी हैंगर पे सब कुछ है, नहीं ये नहीं चलेगा। अरे नहीं सीखोगे हमारे शिष्टाचार को तो ऐसी बीमारियां आपको आकर के प्राकृतिक रूप से उन शिष्टाचारों को सिखाएंगे। न शौचम, इन लोगों को सोच पवित्रता के बारे में मालूम ही नहीं है। जिनको हम पवित्रता मानते थे उनको तो ये लोग आडंबर कहने लग गए हैं। अरे भाई ये तो छुआछूत हो गया। अरे भाई छुआछूत का अर्थ, छुआछूत जो है वो शारीरिक नहीं हुआ करती है, छुआछूत हमेशा मानसिक होती है। मन से जब आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं वो छुआछूत है। शारीरिक रूप से तो अगर आप नहीं दूर रहेंगे किसी से, जब जहां जिससे दूर रहना है तब रहना ही योग्य है, अगर आप उससे नहीं रहेंगे तो बीमारियां आपके पास आएंगी, बीमारियां आपको परेशान करेंगी। आज इतने ज़्यादा डॉक्टर्स, आज इतनी ज़्यादा चीज़ों की जरूरत क्यों खड़ी हुई है? क्योंकि हमने ये जो शौचता, ये जो पवित्रता है, इसका ख्याल करना बंद कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई अछूत होता है, यहां ऐसा नहीं है कि शूद्र अछूत है या ब्राह्मण अछूत नहीं है। हर व्यक्ति से जब आप घर से बाहर निकलते हैं तब आपको एक अंतर बनाना पड़ता है। आज आपको ये सिखाया जा रहा है, आप ये डिस्टेंस मेंटेन कीजिए तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। यही था शारीरिक शौच का अर्थ, यही हुआ करता था। तब हमारे पास साबुन नहीं होते थे। मुझे याद है मैंने हेमशारण जब पढ़ता था तो हमें 11 बार 14 बार हाथ धोने को कहा जाता था। आप लैट्रिन से आए हैं,
आप शौच क्रिया से निवृत्त होकर के आए हैं तो उसके बाद मिट्टी लेकर के और कम से कम 14 बार 12 बार ऐसे हाथ धोने पड़ते थे। और जब हम उस तरीके से हाथ धोते थे कहां से कोई बीमारी हमारे आसपास आएगी। और अगर मिट्टी की जगह हम राख से हाथ धो रहे हैं तो हमें 3 बार ही धोने होते थे। अब ये देखिए ये किस प्रकार का वो था कि अगर राख से आप धो रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की ज्वलनशील सब कुछ जलने के बाद जो कुछ बचा है उसमें इस प्रकार की पवित्र चीजें हैं कि जिससे आप अगर हाथ अपने धो रहे हैं तो 3 बार में साफ हो जाएंगे। लेकिन अगर मिट्टी से धो रहे हैं पता नहीं वो मिट्टी किस प्रकार की होगी, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार 12 बार 14 बार हाथ धोए जाते। तो जब व्यक्ति के मन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का वास्तविक ख्याल ही नहीं होता है कि उसको करना क्या है तो ये पवित्रता भी उसको इसका पता ही नहीं है कि पवित्रता है क्या, शारीरिक शुद्धि क्या है। जाकर के पेपर का उपयोग करने वाले क्या जानेंगे कि शारीरिक शुद्धि क्या होती है। जल से दूर भागने वाले क्या जानेंगे, एक टिश्यू पेपर लिया और उससे सब कुछ साफ कर लिया। ऐसे नहीं सफाई हुआ करती है। सफाई करना है तो बाकायदा जल से अपने शरीर को प्रक्षालन करके शुद्ध होना पड़ता है। नचा पिचा चारो, अब ठीक है शौच भी नहीं मालूम है ये तो शारीरिक शुद्धि हुई, और उनको आंतरिक शुद्धि भी नहीं मालूम है, आचार विचार भी नहीं मालूम है कि कौन है तो किसके साथ किस प्रकार से शिष्टाचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई बाहर से आया है, और आप गुजरात तो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ तो जूते चप्पल बाहर उतार के ही घर के अंदर प्रवेश की प्रथा है, लेकिन आप पंजाब यूपी वगैरह में चले जाइए तो जैसे जिन जूते चप्पलों से पूरी गली में और रोड मोहल्ले पे चल के आए होंगे वही जूते चप्पल पहन के सीधे आपके ड्राइंग रूम में चले आएंगे। कई लोगों के यहाँ तो कारपेट बिछे होते तो कारपेट के ऊपर उन्हीं जूते चप्पल के साथ चले आएंगे। अरे भाई पवित्रता शुद्धता कोई चीज है या नहीं है, क्यों नहीं आपको समझ में आता है कि इन चीज़ों के साथ बहुत सारी बीमारियाँ आ सकती हैं, आप क्यों उनको बाहर नहीं उतार सकते, क्या समस्या है। और नहीं तो फिर भैया पहले नहीं उतारते थे तो बाहर इस प्रकार की बैठक व्यवस्था होती थी कि भैया आप बैठ जाओ, आप घर के अंदर तक क्यों आओ। ऐसे लोगों को जो बूट ना उतार सकते उनको बाहर बिठा लो, वहीं डाल दो कुछ उनके लिए बैठने के इंतजाम कर दो, वहीं पे वहीं बाहर बैठ लो, वहीं मिल लो, वहीं से विदा करो। पहले सब लोगों को घर के अंदर नहीं बुलाया जाता था, ये आचार विचार हुआ करते थे, ये हमारी शारीरिक और मानसिक शुद्धियों के लिए बहुत जरूरी थे। लेकिन आज हमको उनसे हम दूर हुए, और दूर हुए तो परिणाम हमें भोगने पड़ रहे हैं। न सत्यम तेषु विद्यते, न उनमें पवित्रता होती है शारीरिक, न उनमें आंतरिक पवित्रता होती है, और ना ही वो सत्य का पालन कर सकते हैं। देखिए जो व्यक्ति स्वार्थी होगा वो सत्य के मार्ग पर चल ही नहीं सकता। जिसकी प्रवृत्ति सिर्फ अपने लिए है वो कभी सत्य का आचरण नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्य हमेशा समाज के साथ हुआ करता है। सत्य हमेशा आपको ये सिखाएगा कि आप स्वार्थ छोड़िए, आप परमार्थ करिए। सत्य हमेशा आपको ये सिखाएगा कि जब आप अपने ही बारे में सोचते हैं तो आप गलत करते हैं। कहीं किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी शास्त्र आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो जिसने आपको स्वार्थ सिखाया। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम कि मन्यत काम है दुगम। अब ऐसे लोगों का व्यवहार किस प्रकार का होता है, कृष्ण आगे कहते हैं असत्यम अप्रतिष्ठम जगदाहुर अनीश्वरम, ये पूरा संसार जो है इसमें ईश्वर का कोई काम नहीं है। हम कहते हैं कि भैया सुबह शाम थोड़ा भगवान का नाम ले लिया, ये भगवान क्या है यार, भगवान का नाम लेने से क्या होने वाला है। अरे आप बैठ के राम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर लोगे तो क्या कर उससे मिल क्या जाएगा। ये है एक जनरेशन जो नई आती जा रही है, वो ये समझती है कि सब कुछ असत्य है, ये सब कुछ बेकार है, इस संसार में ईश्वर जैसा कुछ है ही नहीं। जिस दिन सब कुछ प्राप्त होगा ना तुमको, जब तक कुछ तुम्हारे पास नहीं है तब तक इस प्रकार के विचार कर सकते हो, लेकिन जिस दिन सब कुछ प्राप्त होगा उस दिन ये विचार बिल्कुल बदल जाएगा। उस दिन उसको बचाने के लिए किसी के भी पास दौड़ोगे। और ऐसे लोग क्या समझते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं कर सकता है,
वो सीए कर सकता है, वो वकील कर सकता है। ऐसे लोग सीए और वकीलों के यहां चक्कर लगाते हैं। अगर आप असत्य का आचरण नहीं करें तो आपको वकील के यहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप असत्य का व्यवहार नहीं करें तो सीए के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए, सीए को पैसा देना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पास, आप स्वयं उस कार्य को कर सकते हैं, लेकिन आपको जब यह करना है कि नहीं इतना मेरे पास है, इसमें से मुझे कुछ देना ना पड़े, इसको कहीं से भी कुछ भी गोलमोल गड्ढमड कर दो लेकिन इसको बचा लो, तो आपको सीए के पास जाना है। लेकिन अगर आप सत्य का आचरण कर रहे हैं, जितना टैक्स भरना है उतना टैक्स बराबर भरते जा रहे हैं और टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो आपको किसी सीए के घर पर चक्कर लगाने की क्या जरूरत है, उसके पास अपनी फाइल को छुपा के रखने की क्या जरूरत है। ऐसे लोग असत्य आचरण करने वाले अप्रतिष्ठम, जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं करते हैं, जगद आहु अनीश्वरम, वो कहते हैं संसार में ईश्वर जैसा कुछ है नहीं। है कुछ लोग बिल्कुल नास्तिक तो नहीं हो पाते, वो कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, लेकिन वो ये जरूर कहेंगे कि भगवान करता कुछ नहीं है, करना हम ही को पड़ता है, जो कुछ करते हैं हम स्वयं करते हैं, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करता है, ये तो वो कहेंगे। उस बात को नीचे कह रहे हैं, नीचे की पंक्ति, अपरस्पर संभूतम कि मन्यति काम हेतु गम, अरे जो करना है हमें तुम्हें करना है, ये पूरी सृष्टि भी हम तुमसे चलती है। व्यक्ति के अपने कर्म के अलावा, व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के अलावा, व्यक्ति की अपनी अभिलाषाओं के अलावा सफलता का और कोई माध्यम नहीं है, और कोई साधन नहीं है। देखिए जितने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास चलेंगे, वो कहेंगे आप एक गोल बनाइए, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए प्रयत्न कीजिए, फिर उसको अचीव कीजिए, आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। भैया कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, कभी इंटरव्यू ले लीजिए, कभी जाकर के मिल लीजिए नरेंद्र मोदी जी से, उनसे पूछिए कि कभी उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का गोल बनाया था अपना और फिर उसको अचीव करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए थे क्या, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब आप संपूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं ना, तो आगे के मार्ग तो अपने आप खुलते चले जाते हैं। आप कल्पना नहीं करेंगे वहां तक आप पहुंच सकते हैं, और आप लक्ष्य तय करते रहिए और उनके लिए दौड़ते रहिए, और उन्हीं के लिए स्वार्थ बस जब आप दौड़ेंगे तो आपको जो चाहिए वहां तक आप कभी नहीं पहुंच सकते, वहां तक पहुंचने का कोई साधन है ही नहीं। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता, 16वां अध्याय चल रहा है, ध्यान दीजिए और आनंद।